खबर लालकुआ से है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा ने नगर पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने नगर पंचायत कार्यालय में जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत के अंतर्गत वर्षों से बंद पड़े गरीबों को आवंटित होने वाले 100 कमरों का वितरण किए जाने की मांग की गई। वहीं उन्होंने नगर पंचायत चेयरमैन पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निविदाओं में बंदरमाट का भी आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी ने प्रशासन से नगर पंचायत में चल रही धांधली को रोके जाने की मांग की। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। नगर पंचायत लालकुआ में पहले हम लोग गए, उसके बाद वहाँ हमें जो है कोई व्यक्ति नहीं पाया गया, अधिकारी कोई कर्मचारी हमें वहाँ नहीं मौजूदा हालत में मिला, तो हमने अपनी बात रखने का मौका हमें नहीं मिल पाया। तो हम इससे आज तहसीलदार महोदय के पास आए, बस हमारा ये 100 कमरों की जो गरीबों को लेकर जो मांग है ये पूरी हो जाए। इसमें उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि 100 कमरों का निर्माण वार्ड नंबर 1 में हुआ था, जिसका अभी तक आवंटन नहीं हो पाया है। साथ ही साथ उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि नगर पंचायत लालकुआ द्वारा लगातार राजकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके संबंध में माननीय उपजिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन संबोधित है, ज्ञापन वहाँ प्रेषित कर दिया जाएगा। जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी।